नमस्कार दोस्तों, YouTube के ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब निशान पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर साक्य है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस आप अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप से। तो चलिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप में चले जाएंगे। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको जिसका भी स्टेटस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेटस पे क्लिक करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड का स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे चैनल का इंट्रो है, मान लो मैं इसे गैलरी में सेव करना चाहता हूँ, ये स्टेटस है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, चले जाना है आपके अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद और चले जाना है आपको व्हाट्सएप के फोल्डर में। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ व्हाट्सएप के फोल्डर में। व्हाट्सएप के फोल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको व्हाट्सएप स्टेटस का फोल्डर आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉर्नर में थ्री लाइंस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे मिलेगा आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको शो हिडन फाइल ये ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद आप जैसे ही बैक आएंगे तो यहाँ पे ऊपर स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने अभी स्टेटस देखा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। फ्रेंड्स, अब इस स्टेटस को हमें अपनी गैलरी में ले जाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसे मूव कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से इसे मूव कर लिया और हम किसी भी फोल्डर में जिसे हमें सिलेक्ट करना है तो हमें वो फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से कोई भी फोल्डर सिलेक्ट किए ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप के मीडिया में गया। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर हमने कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर लो। चलिए फ्रेंड, व्हाट्सएप वीडियो में मैंने इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे आ चुका है। चलिए फ्रेंड, अब हम अपनी गैलरी में देखते हैं ये आया है या नहीं आया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी गैलरी पे क्लिक करेंगे। गैलरी में जाने के बाद फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, रिसेंट पे यहाँ पे आ जाएंगे वीडियो में। वीडियो में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो स्टेटस था वो यहाँ पर आ चुका है। कुछ इस तरह फ्रेंड्स आप भी अपने स्टेटस को अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।